जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। राजस्थान डीलर की पदयात्रा अजमेर से जयपुर के लिए रवाना हो रही है। हमारी मांग है हम आम राशन डीलर को गुजरात की तरफ पर मांग दे दिया जाए, मांग दे की वो मांग है हमारी। वो मांग हम राजस्थान सरकार के सीएम साहब श्री भजन लाल जी से करने जा रहे हैं यात्रा के मार्फत, और हमारी यात्रा आज प्रारंभ हो रही है 1 बजे यहाँ से अजमेर से, और वो रास्ते में विश्राम करती करती 15 तारीख को शहीद स्मारक जयपुर पहुंचेगी, और शहीद स्मारक पहुंचने के बाद में हम मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे और हमारी मानदेय की और हमारे डीलरों की जो भी समस्या है वो उनको अवगत करवाएंगे। और हम चाहते हैं डीलरों की दयनीय स्थिति हो रही है, आज डीलर के बच्चे पढ़ने को मोहताज हो रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है, तो हम ये चाह रहे हैं हमारे डीलरों का मान सम्मान और मानदेय मिले हमारे को, उसके लिए हमने ये पदयात्रा रखी है, और ये पदयात्रा 15 तारीख को जयपुर शहीद स्मारक पर पहुंचेगी। अभी आप लोग निकल चुके हैं और हम निकल रहे हैं अभी 1 तारीख 1 बजे। आप कितने समय से मांगे आप? हम पूरे राजस्थान के अभी यहाँ से 200 डीलर हम चल रहे हैं, आगे जाके जाके हमारा डीलरों का कम से कम 30,000-28,000 डीलर हम वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे शहीद स्मारक। कितने समय से आप मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कम से कम हमारी मांग देगी 3-4 साल से चल रही है, 2016 से मांग चल रही है, जब से मशीन लगी है ना हमारे तब से मानदेय की मांग चल रही है। गुजरात में दे भी दी मानदेय और हमें को राजस्थान में भी मानदेय चाहिए। मेरा नाम अशोक नरानी। आज राजस्थान के समस्त राशन डीलर पद यात्रा अजमेर से जो रवाना होगी, हम 2016 से राशन डीलर सरकार से मांग करते आए, संघर्ष करते आए, हड़ताल करते आए, पूर्ववर्ती सरकार ने भी नहीं सुनी, कांग्रेस की सरकार ने, अब भाजपा की सरकार राजस्थान में है, डबल इंजन की सरकार है, तो हम ये चाहते हैं कि गुजरात की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी मानदेय वेतन आयोग लागू किया जाए, जिससे राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। आज समय पर राजस्थान के किसी भी डीलर को कमीशन नहीं मिल पाता है और आज उनकी स्थिति बस से बदतर हो चुकी है, अपना घर परिवार अपने बच्चे पालन पोषण करने में भारी दुविधा उत्पन्न हो रही है। हम सरकार को समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से और जो भी धरना प्रदर्शन था उनके माध्यम से, हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 80 विधायक और 18 कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा हमें समर्थन दिया गया, मगर कांग्रेस की सरकार ने इसको नकार दिया और 27 दिसंबर 2022 को राजस्थान के 27,000 राशन डीलर विद्याधर नगर स्टेडियम में एकत्रित हुए थे। वहां पर हमारे खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने आकर ये घोषणा करी थी कि मैं आपको मानदेय दिला के रहूंगा, मैं राम का वंशज हूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए, मगर कांग्रेस सरकार भी अपने वचनों को भूल गई और राशन डीलर आज रोड पे है। और आज स्थिति यह है कि भगवान राम ने की जो झूठी कस्में खाई थी आज भगवान राम ने उनको घर पे बैठा दिया। आज राशन डीलरों की स्थिति बस से बदतर हो चुकी है। हम इन्हीं सभी मांगों को लेकर हम राशन डीलर अजमेर से जयपुर पदयात्रा जो का शुभारंभ कर रहे हैं और सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाए ताकि राशन डीलरों को राहत मिल सके। लोकेंद्र शर्मा, राशन डीलर अजमेर।